ओम शांति। तो जो योग लगाते हैं तो उसमें हम क्या करें, मन उसमें शांत होता, शांत मन है तो हम सबकॉन्शियस में कोई भी बात भेज सकते हैं। इसलिए जब योग लगाते हैं तो उसमें कोई न कोई समान बुद्धि में स्मृति में लाओ। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, है नहीं, हम पूज्य आत्मा हैं, हम विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। इस प्रकार से कोई न कोई हम बाबा के समान हैं, हम निराकारी निर्विकारी निरंकारी हैं, है नहीं। तो वो सब सबकॉन्शियस में डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। एक तो इस तरह से है कि हम योग के द्वारा अपनी स्थिति बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे संबंध कोई कर्म करते हुए तो बीटा रेंज था, ज्ञान का मनन चिंतन किया और योग लगाया तो हमारी अल्फा रेंज, मन शांत हो गया अल्फा रेंज की फ्रिक्वेंसी, और फिर और योग लगाया फरिश्तापन की अनुभवी तो थीटा, फिर और बिल्कुल अशरीरीपन की अनुभूति हुई परम धाम में टिके तो डेल्टा। तो इस प्रकार से योग की स्थिति बनती है। और दूसरी बनती है अपने आप, अपने आप कब बनती है, जब हम लेटने के लिए जाते हैं। जब लेटने के लिए बेड पे जाते हैं तो पहले बीटा रेंज होता है, बीटा के बाद फिर अल्फा हुआ, अल्फा के बाद फिर थीटा स्वप्न वगैरह, और उसके बाद डेल्टा। डेल्टा वो गहरी नींद की स्थिति है जिसमें कोई भी शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, है नहीं। शरीर की तो वो एक साइकिल जो नींद की होती ना, करीब किसी की डेढ़ घंटे की, किसी की पौने घंटे की, किसी दो घंटे की होती है। तो एक साइकिल में वो 20 मिनट होती है गहरी नींद, जिसमें शरीर क्या करता है, पैन कर्ल जनरेट करता है अपने शरीर, शरीर खुद अपने शरीर रिपेयरिंग करता है। कहीं सिर दर्द है, कहीं थकान है, कहीं कुछ है, तो वो शरीर खुद ही रिपेयर करता। मान लो सोए और गहरी नींद भी नहीं आए तो भी थकान दूर नहीं होगी, क्योंकि गहरी डेल्टा स्टेज चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो हम योग के द्वारा बना सकते हैं। कभी कभी आप देखते ना, थक गए और बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव हो गया, परम धाम में पहुंच गए तो हमारी थकान दूर हो जाती है नहीं। योग से भी होती है। और तो जो ऑटोमेटिक हमारी स्टेज सब बनती है वो कब, नींद से पहले। जैसे सोने गए तो उसमें बीटा रेंज की हुई, फिर अल्फा हुई, फिर थीटा, और गहरी नींद में डेल्टा हुई। तो जो सोने जाते हैं ना उस समय मन में ऑटोमेटिक, क्योंकि अल्फा रेंज ऑटोमेटिक बनेगा, और जितना हम सोएंगे 4 घंटे उतना सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो हम संकल्प नहीं कर पाएंगे, सो पाएंगे। तो सोने से पहले अच्छा शुद्ध संकल्प करें, अपने आप वो बनेगी। सोने से पहले हम बाबा को याद करें, मुरली पढ़ें, या कोई समान बुद्धि में रखें, तो सोने से पहले जो याद करेंगे वो सीधा सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और सवेरे उठेंगे तो वही चीज बुद्धि में घूमती रहेगी। ओम शांति।